हाय, मैं हूँ सामिया खान। वेलकम टू खाना खजाना चैनल। आज हम बनाएंगे आलू की कचौरी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, चलिए हमने कुछ सामान लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ धनिया के पत्ते लिए हैं और इन्हें बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें अच्छे से कट कर लिया है मैंने। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। चलिए मसाले लिए थे और मैंने यहाँ 5 आलू को अच्छे से उबाल लिया है, इन्हें बहुत अच्छे से उबाला है मैंने। यहाँ 4 कप मैंने आटा लिया है। अब आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से मैश कर सकते हैं, बट ये अच्छे से मैश होने चाहिए, तभी इसमें मसाला अच्छे से भरा जाएगा। अच्छे से मैश कर लेंगे इन्हें। अब देखिए, आप आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे, हाफ नमक को हम आटे में ऐड करेंगे। देखिए, हाफ नमक को हम आटे में ऐड करेंगे। अभी हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड कर दी है और जो मसाले लिए थे, चाट मसाला, धनिया और हल्दी जो ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और ये धनिया के पत्ते भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैंने कितने अच्छे से इसका भरता तैयार कर लिया है कचौरियों का। अब चलिए हम इसका डो तैयार करेंगे। तो ये आटा इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब जो हमने हाफ नमक लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लेना है नमक को इसमें और अब पानी ऐड करेंगे हम इसमें। इसका जो हमें डो प्रिपेयर करना है वो बहुत सॉफ्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये कचौरियों का आटा है तो बहुत सॉफ्ट हमें लेना है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से डो इसका प्रिपेयर कर लिया है और अब हम इसका पेड़ा लेंगे कचौरी बनाने के लिए। अब देखिए कितने अच्छे से हम इसमें आलू भरेंगे। इस तरीके से पानी लगा के हमें इसको आगे बढ़ाना है। देखिए इसमें हम अब अच्छे से बंद कर लेंगे इसे। देखिए इस तरीके से अगर बनाएंगे कचौरी तो बिल्कुल कचौरी फटेंगी नहीं और बहुत अच्छे तरीके से बनेंगी। इसे अच्छे से जॉइंट करना है। आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से बनाएं इसे। ऐसे ही आगे बढ़ाना है इसे। आप देख सकते हैं हमारी कचौरी बिल्कुल रेडी है। आपने एक तरफ जो तेल था वो गर्म करने रख दिया है कढ़ाई में। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कचौरी। अब देखिए हमारी कचौरी बिल्कुल बन गई है, हम इसे निकाल लेंगे और बाकी कचौरी हमें इस तरीके से तलनी है। देखिए हमारी कचौरी बिल्कुल रेडी है, ये बहुत क्रिस्पी बनी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। सो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।